हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आइयो कि एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज की व्लॉग की शुरुआत करते हैं सुबह से बच्चों के जाने के बाद। और अभी टाइम हो रहा है 10 बजे का टाइम, क्योंकि आजकल जो है बच्चों को ठंडी हो रही है काफ़ी, इसलिए बच्चों के स्कूल का टाइम जो है चेंज हो गया है। और अभी बस 10:45 यानी 9:45 पे जो है पीयू को छोड़ के आई हूँ। उसके बाद नाश्ता वास्ता करने के बाद लग गई हूँ अपने काम पर। और यहाँ पर चलाया मैंने टीवी में म्यूज़िक, और साथ साथ जो है मेरे गाने चल रहे हैं। पंजाबी सॉन्ग सुनती हूँ सुबह को, पहले थोड़ी देर भजन चला लेती हूँ, उसके बाद जो है मैं इस तरह से पंजाबी सॉन्ग चलाती हूँ और अपना काम में लग जाती हूँ। और काम करने में वैसे बहुत मज़ा आता है, एकदम से बढ़िया से काम भी हो जाता है, अपना गाने भी सुनते रहते हैं, गुनगुनाते रहते हैं और काम भी चलता रहता है। तो झाड़ू मैंने पहले ही लगा ली है और अब मैं लगा रही हूँ यहाँ पर पोछा। तो एक कमरा मैंने ऑलरेडी कर दिया है, इधर दूसरा वाला ड्राइंग रूम वाला, और इसको भी मैं कर लेती हूँ साफ़। और सारी मैट वैट जो है मैंने सब बाहर डाल दी, यहाँ पर जो है सूखने धूप काफ़ी अच्छी आ रही है इसलिए। और इस कमरे का तो हो गया है, और अब चलते हैं नेक्स्ट कमरे की तरफ और दिखाती हूँ दूसरे कमरे का। तो इस कमरे को मैंने पहले ही कर दिया और पंखा चला दिया तो एकदम सूख गया है, और ये वाला कमरा एकदम रेडी है। और अब चलते हैं, जब देख कर ना अच्छा सा लगता है जब घर की साफ़ सफाई हो जाती है, और जब तक गंदा रहता है ना तो ऐसा लगता है बस कभी ये साफ़ सफाई होगी। तो ये जब कर लेते हैं ना तो अच्छा सा लगता है। तो अंदर वाला कमरा भी मैंने क्लीन कर दिया है साथ साथ, बस अब वहाँ पर रजाई वगैरह है वो मुझे सेट करके रखनी है। पहले मैं पूरा मॉपिंग का काम कर देती हूँ। और यहाँ पर जो ये वॉशिंग मशीन हुआ करती थी पहले, वॉशिंग मशीन मैंने यहाँ से बाहर शिफ्ट कर दिया, तो यहाँ पर भी काफ़ी स्पेस हो गया है। तो यहाँ पर भी मैंने इस तरह से जो है पोछा लगा लिया, और इससे मैजिक मॉप से पोछा लगाना ना बहुत आसान हो जाता है, एकदम से फटाफट फटाफट सारे कमरों का काम हो जाता है। और ये कमरा भी सूख गया है, तो चलिए अब लगाती हूँ मैट, क्योंकि ठंडा काफ़ी है। और बच्चे आते हैं ना फिर क्या बोलते हैं बिना सॉक्स वगैरह के खेलते रहते हैं, तो इसीलिए पूरे घर में जो है मैट वगैरह इस तरह से बिछानी पड़ती है कुछ ना कुछ, नहीं तो बच्चे ना ठंडे में खेलते रहते हैं ऐसे ही। तो यहाँ पर जो है ये वाला मैट मैंने इधर पीछे से लगा लिया पूरा दरवाजे से कवर करके, और अब एक और दूसरा मैट भी मैं इसी के साथ लगा दूंगी। तो क्योंकि ज़्यादातर बच्चे इसी कमरे में रहते हैं तो इसको मैंने पूरा ही जो है कवर कर रखा है मैट वगैरह से। और यहाँ पर जो है साथ साथ म्यूज़िक में जो है ऐड वगैरह भी आ रहे थे, तो वो मैं स्किप करके लगा रही थी, और फिर से जो मतलब मुझे सुन के अच्छा लगता है ना वही वाले मैं लगा लेती हूँ। तो करती रहती हूँ, सुनती रहती हूँ, तो काम भी करता फटाफट हो जाता है। तो ये वाला कमरा हो गया, साथ साथ जो मैंने सामान वगैरह जो ये चेयर वगैरह रखे हैं ऊपर, इस सबको सेट कर लूँगी। तो ये सब जो है बच्चे यूज़ करते हैं चेयर वगैरह, तो इसलिए मैंने इनको बाहर ही रखा हुआ है, क्योंकि जब उनको पढ़ना होता है ना खुद ही उठाकर बैठ जाते हैं और कर लेते हैं। और ये एक और चेयर, और यहाँ पर ब्लोअर वगैरह है। तो ये पीहू का डॉल हाउस, तो इसको भी साइड में रखा हुआ है, उसको जब मन करता है तो वो इसके अंदर खेलती है, फिर ये ऐसे ही रखा रहता है यहाँ पर, तो मैंने इसको यहीं साइड में लगा लिया है। और ब्लोवर ठंडा काफ़ी है तो इसलिए ब्लोवर को भी नीचे रख देती हूँ, क्योंकि ब्लोवर भी हम यूज़ करते हैं शाम के टाइम ज़्यादा। और छोटे मोटे जो सामान है वो सेट करते हुए चलती हूँ घरों में, रोज़ का ऐसा ही हो जाता है, डेली का डेली हम रोज़ सेट करते हैं, रोज़ शाम तक ऐसा हो जाता है ना किसी की करा ही नहीं होगा, पर फिर अगले दिन के लिए उतना ही काम होता है, डेली का डेली यही होता है। और जो पोछा वगैरह है मैं वो 1-2 दिन छोड़ने के बाद लगाती हूँ, क्योंकि ठंडा है आजकल, ज़्यादा पोछा गंदा नहीं होता है इतना, तो बस सामान वगैरह फैलता है थोड़ा बहुत वो सेट करना होता है। और यहाँ पर जो है बच्चों की गाड़ी रखी थी उसको मैंने यहाँ पर अंदर डाल दिया है, क्योंकि बच्चे उसको कभी यूज़ करते हैं क्योंकि अब दोनों ही बड़े हो गए हैं। और मंदिर में पूजा मैंने पहले सुबह ही कर लिया था उठने के बाद ही, क्योंकि बच्चों को जाने से पहले ही पूजा पाठ मैंने कर लिया था, नाश्ता वगैरह करने से पहले ही। गुड मॉर्निंग, और किचन हो गया एकदम बढ़िया, एकदम स्वस्थ और एकदम बच्चे होंगे, आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज का व्लॉग जो है काफ़ी दिनों बाद जो मैं डेली व्लॉग शेयर कर रही हूँ आप लोगों से, क्योंकि काफ़ी दिनों से बना नहीं रही थी व्लॉग वगैरह। तो आज जो है मैं अपना क्लीनिंग का व्लॉग शेयर किया है कर रही हूँ आपके साथ। तो क्लीनिंग वगैरह मेरी हो गई है अच्छे से, मैंने पूरा किचन विचन सब धुलकर साफ वाफ कर दिया है अच्छे से, और बाहर दिखा देती हूँ मैं आपको। तो ये वाला रूम भी मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, और इधर भी। तो अभी जो टाइम हो रहा है 12 बजने वाला है, और काम जो है मेरा ऑलमोस्ट क्लियर हो गया, तो सारे रूम वगैरह मैंने अपने साफ कर दिए, और अब जो है थोड़ी देर में बैठूंगी और बाहर का भी पूरा क्लीन कर दिया है। तो बाहर ही मैंने पूरा क्लीन कर दिया है, और आज धूप बहुत अच्छी आ रही है, बिल्कुल कड़क वाली बढ़िया धूप आ रही है। तो कपड़े वपड़े सब सूख गए हैं ऊपर, रजाई वगैरह सब सुखा दी है, और अब थोड़ी देर में बैठूंगी लगभग 1 घंटा, क्योंकि 1 बजे 1:15 बजे जो पीयू को लेने जाना है मुझे, पीयू की छुट्टी होगी। और अभी दोनों बच्चे गए हैं तो आराम से अपना काम भी जल्दी से फिनिश हो गए हैं, और अब बैठती हूँ थोड़ी देर, आप टीवी वॉच करूँगी, उसके बाद जो है 1 बजे जाऊँगी फिर मैं पीयू को लेने।
है 18 जनवरी, और आज ना अभी दिन का टाइम हो रहा है और मतलब शाम ही हो गए, 4 बज गए हैं, और यहाँ पर ये बना रहे हैं चाउमीन। तो वो मैं लाई थी ना हक्का नूडल, मैंने आपको बताया था मैं हक्का नूडल वगैरह लाई थी, तो वो काफ़ी दिन से पड़ी थी तो वही बना रहे हैं आज, और दिखाते हैं चलो बैक कैमरे से। हक्का नूडल जो मैंने बॉयल करके रख दिया है नॉर्मल चाउमीन की तरह, और यहाँ पर प्याज वगैरह डाल दिए इन्होंने, और इसमें भी हरी मिर्च नहीं डाली क्योंकि बच्चे नहीं खाते ना, तो अभी पहले हम बच्चों के लिए निकाल देंगे, उसके बाद हम इसमें मिर्ची वगैरह ऐड कर लेंगे। ये पैकेट भी काफ़ी है ना, 25 रुपये का था ये, ठीक है हाँ। और क्या डाल दे, लहसुन का पानी डाल दिया, अब डालेंगे इसमें मसाले, हल्दी कौन डालता है, एंटीबायोटिक और इसमें आज हम कुछ स्पेशल ट्राई कर रहे हैं, और इसमें डाल रहे हैं हम अंडे, अभी यहाँ पूरा फैला हुआ है, पहले ये बना ले फिर मैं साफ करूंगी। तो ये नमक ठीक से डालना, अंडे डाल रहे हैं इसमें, अभी नहीं 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 यार नहीं, अभी इसमें डालेंगे सिरके वगैरह, और बाद में मैंने हर चीज काट के रख दी है, तो हम बच्चों के निकालने के बाद इसमें हर भी डाल देंगे, आराम से डालना, बहुत तेज चलता है। ये डाल दिया सोया सॉस, और अब इसमें जाएगा विनेगर, और बस हमारी जो ये हेल्थ अच्छी मतलब घर की जो मैग चाउमीन है वो बनकर तैयार है, इसको थोड़ा सौते करेंगे, और ये जो है चाउमीन हमारी बन गई है, तो ये बनने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ पूरा। बच्चों को निकाल दो, मिर्च डाल दो बढ़िया करके, बॉईल करके, वो पहले डालना था क्या अंडा, अरे वो तो लगते बाल बनाएंगे ना। ये हमारी मैग चाउमीन जो है बनकर तैयार है, लाइट ही रहने दो फिर का, कितना गिरा रहे यार, देखो ना हाथ कर दिया, ऐसे ही गिराऊंगा बेटा, मुझे होगी भी खाने लायक। आज है 18 जनवरी, और आज तो आज है 18 जनवरी, और ना भाई का बर्थडे है, तो हम लोग तो जा नहीं पाए, तो हम यही पे सेलिब्रेट कर रहे हैं चौमिन के, तो हम लोग चौमिन पार्टी कर रहे हैं, और चलो खाते हैं एंजॉय करते हैं केक वगैरह, तो क्योंकि केक भी आज हमने खा लिया है, केक भी हमने मैंने खा लिया और बच्चों ने भी खा लिया, क्योंकि आज बच्चों के स्कूल में ना बर्थडे सेलिब्रेशन था, तो थोड़ा सा केक बजा के लाया था मेरी तरह सा, तो मैंने वो भी खा लिया बर्थडे का केक, बस थोड़ा ही निकाल दो 2 प्लेट में, और निकाल दो हम चलो खा ही देते हैं। ये हमारा, और ये हमारे स्पाइसी वाला एग बन रहा है, तो इधर इसके लिए हमने फ्राई पैन रख दिया है, पहले हम एग अलग से बनाएंगे और फिर इसे मिक्स करेंगे, और किचन की हालत देखो आपने, सच्ची में लग रहा है कि ठेले पे दुकान में बनाई होगी उन्होंने चाउमीन, कितना फैला रखा है। अभी करेंगे हम इसको साफ खाने के बाद, ओ डालो डालो, ये गया अंडा, अंडा बन जाएगा इसके ऊपर ही चाउमीन डाल देना, इसी नो 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 नो, ये वाला लो ना, ये वाला लो, लकड़ी वाला लो, लकड़ी वाला, बन गया अंडे की भुर्जी, तो तेल नहीं डाला ना, अभी तो चिपक रहा है ये, तेल डाल लगा भाई बढ़िया, ज्यादा नहीं डालना चाहिए,
मैं बच्चों को देती हूँ पहले, और ये इसमें हम मिक्स कर लेंगे, बच्चों का ठंडा हो जाएगा ना। बच्चों बच्चों के लिए शाम को बना दूंगी ना ऑमलेट, और बनाऊंगी आज भरता। डाल दो ये गया इसके अंदर अंडा भुर्जी। तो आप लोग भी कभी चाउमीन बनाए ना, तो इस तरह से उसमें अंडा एग डाल के ट्राई करें तो कैसा टेस्ट आएगा, अच्छा लगता है। हमने पहले भी बनाया है कई बार, तो ये इसमें डाल दिया, उसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। बस यहाँ पे एक बात का ध्यान रखना है, चाउमीन जो हम ज़्यादा ना गलाए, नहीं तो फिर इस तरह हम उसे बार बार कर चलाएंगे ना तो वो बिल्कुल मैश हो जाएगी। इसलिए चाउमीन को हमने थोड़ा ही थोड़ा रखना है कि जो आराम से दब जाए, इतना ही पकाना है। और ये अंडा हमने मिक्स कर दिया इसमें, और ये बन गई है हमारी एग चाउमीन। और यहाँ पर अगर हम अंडे को पहले डाल दें तो उसमें से फिर अलग से स्मेल सी आती है, तो एग को इस तरह से अलग से बनाने के बाद ही डालना चाहिए। और ये बन गई, और इसको खाते हैं। थोड़ी सी मिर्ची डाल दो इसमें, मिर्च डाल दो, चलो ठीक है। बच्चों आओ पीली, अंशु चाउमीन जल्दी से आओ, पीली चाउमीन, अंशु चाउमीन जल्दी आओ। अरे मेरा नाम चाउमीन नहीं है, जल्दी बोलो पीली चाउमीन। अंशु चाउमीन आ गई, तुम बोलो ये आ गई पीली पीली चाउमीन तो हो जाएगा ना, पापा ने बनाई है, अम्मी अम्मी खा लो पीली चाउमीन तो। अरे किसको अच्छी लगती है? पास्ता वाली मुझे। किसको अच्छी लगती है? मुझे। चलो खाओ, कैसी है? हाँ खाने से पहले ही लग रहा है, चलो एंजॉय करो, चबाइए खाना अच्छे से, ठीक है? और ये हो गई हमारी वाली चाउमीन भी तैयार। तो थोड़ा सा हमने इसमें मसाले वगैरह और ऐड कर दिए, और अब हम खाते हैं इसको। तो आज की आपके साथ मैंने आपके साथ छोटा सा व्लॉग शेयर किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए आप लोग भी खा लीजिए, इन्जॉय कीजिए। फिर तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।